यूनिस साहब, बड़ी जोरदार भीड़ है, आप डीडवाना में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जा रहे हैं, किस किस्म का रिस्पांस मिल रहा है और क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? ये मुद्दा यहाँ विकास है, मुद्दा यहाँ विश्वास है, यहाँ की जनता मेरे पर विश्वास करती है और मेरे विकास के पीछे ये जन समर्थन खड़ा है। तो आप अपने टीवी को दिखा सकते हैं कि कहीं भी एक इंच भी जगह खाली नहीं है। ये एक मोहल्ले की बैठक है, इस तरीके की 10 बैठक आज शाम को 4 बजे बाद होंगे। तो ये जनता का विश्वास और विकास यही मुद्दा है। एक मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप बीजेपी के आखिरी मुस्लिम कैंडिडेट थे, 2018 में आखिरी एक ही मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिला वो आप थे, 2023 में उनकी लिस्ट में कोई नहीं है। आपका एक वीडियो देखा हमने जिसमें आपने कहा कि टिकट ना भी देते कम से कम मेरी पूछ तो करते, मुझे पूछते तो, लेकिन वो भी नहीं किया गया। तो कैसा महसूस कर रहे हैं उस पार्टी जिसको आपने सींचा, उसने आपको टिकट नहीं दिया? अभी तो जनता का जो जिस तरीके से समर्थन मिला हुआ है, मैं सोचता हूँ ये सब बातें पीछे छूट गई। अभी तो सबसे पहले 25 तारीख को मतदान हो जाए, 3 तारीख को परिणाम आ जाए, उसके बाद मैं स्टेटमेंट करूँगा। मुझे लगता है कि अभी जो मुझे जनता का प्यार मिला हुआ है, आशीर्वाद मिला हुआ है, उसको मुझे एंजॉय करना चाहिए और इसको मत के रूप में, मतलब जो पेटी में 25 तारीख को जनता डाल दे और 3 तारीख को परिणाम आएगा, उसके बाद सब चीज़ों का जवाब अपने आप आ जाएगा। क्या वसुंधरा राजे के समर्थक होने के कारण आपकी टिकट कटा है? मुझे लगता है कि मैं तो गरीब का समर्थक हूँ, उस दलित का समर्थक हूँ, वो जो पीड़ित है उसका समर्थक हूँ, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। मैंने हमेशा गरीब को गणेश मान करके काम किया है और जनता को सर्वोपरि माना है। जहाँ तक बात लीडरशिप की है, जो भी पार्टी का नेतृत्व है उसको हमने हमेशा स्वीकार किया है। अभी मुद्दा वसुंधरा जी का नहीं है, अभी मुद्दा मोदी जी का नहीं है, अभी मुद्दा है तो सिर्फ एक है कि डीडवाना के आन का, मान का, सम्मान का और स्वाभिमान का। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जनता ठगी गई है, जनता के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ, उससे मुक्ति दिलाने का 25 तारीख दिवस है, इसलिए मुक्ति दिवस के रूप में, मतदान दिवस के रूप में ये जनता मनाएगी। यही आप खुद असेस करिए, क्या आपको लगता है कोई टक्कर में है? ये जनता का चुनाव, ये यूनुस खान का चुनाव नहीं है, किसी राजनीतिक दल का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव, जनता ही लड़ रही है। मैं तो खाली एक हस्ताक्षर करने वाला चेहरा हूँ, बाकी सारा चुनाव जनता। क्या अगर बीजेपी का नहीं आया पूरा, मतलब 100 सीटें वो नहीं जीत पाई, पूरा उनके पास वोट नहीं मिले विधायकों के, और उस समय आप भी जीत कर गए, तो क्या आप समर्थन करेंगे बीजेपी का? देखिए, अभी तो सबसे पहली प्राथमिकता तो 25 तारीख है, उसके बाद 3 तारीख परिणाम है, उसके बाद ये जनता आज जो है इसके 50 गुना जनता इकट्ठी होगी और वो निर्णय करेगी, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। क्योंकि मेरे लिए जनहित, लोकहित सर्वोपरि है और जिस जनता ने इस योग्य मुझे बनाएगी, मैं उसके बिना निर्णय के किसी भी पार्टी की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। निश्चित रूप से मेरे को सभी राजनीतिक दलों का, सभी विचारधाराओं का, सभी जातियों का, 36 कौम का समर्थन है, इसलिए मैं आज किसी दल का नेता नहीं हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ और जन सेवक होने के नाते मुझे जनता के बीच में जा करके उनके निर्णय के अनुसार ही आगे कदम बढ़ाने। आखिरी सवाल, दिल्ली के एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार, जब मैं दिल्ली से चल रहा था तो वो बोले कि आप यूनुस खान साहब से एक सवाल जरूर पूछेगा। मैंने कहा क्या पूछ रहा है? वो बोले कि जब बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट्स का सम्मान ही नहीं करती है तो वो उनके अल्पसंख्यक मोर्चों में वो क्यों जाकर अध्यक्ष बनते हैं या क्यों उनकी सियासत करते हैं? देखिए, अभी तो 3 तारीख का इंतजार करिए और ये जनता सब चीज़ों का जवाब दे देगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और जनता जो निर्णय करती है बहुत विवेक और बुद्धि के साथ करती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजनीति में बहुत मोड़ आएंगे और हिंदुस्तान की राजनीति एक अलग करवट लेगी, समय आ रहा है। टिकट कटने के बाद आप बीजेपी से कम्प्लीटली दूर हुए हैं या फिर अभी भी आपकी बातचीत है? मुझे तो टिकट मिला है अभी जनता का और उस जनता के टिकट को एंजॉय कर रहा हूँ। अभी मुझे इस तरीके की बातों के लिए समय नहीं है, फिर 3 तारीख बाद फैसला करेंगे। जी, शुक्रिया साहब।